जब 500 रुपए जब था 400 रुपए गैस सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जी अगड़ी में गगड़ी लगाती थी, सिलेंडर लेके सर पे नाचती थी। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? अब गगड़ी नहीं नजर आता है, अब मंत्रालय का आवास में आराम नजर आता है आपको। आज बतौर युवा अगर हम लोग मैदान में नहीं उतरेंगे और भाजपाइयों को खदेड़ के नहीं भगाएंगे तो हम अपने नस्लों को गुलाम बना करके जाएंगे, इसको आप समझ लीजिए। और अपोजिशन पार्टी पे अगर मानहानि का केस लग गया, एक दिन में फटाफट केस, जेल, सब कुछ डिस्क्वालीफाई, संसदिया गया, सब गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो ब्रजभूषण को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ब्रजभूषण सिंह यहाँ पे आकर के साक्षी मलिक जी से या संगीता फोगाट जी से या पुनिया जी या बजरंगी पुनिया जी से एक एक हाथ कर ले और इनको पटक दे, मैं गर्दन कटा के दे दूंगा उनको। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आज 23 तारीख है, यानी कि पूरा एक महीना बीत चुका है पहलवानों को धरना प्रदर्शन करते हुए। इस बीच में उन पर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उन पर किस प्रकार के अत्याचार भी किए गए, बावजूद इसके वो एक महीने में यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। और आज शाम 5 बजे जो है इंडिया गेट जाकर कैंडल मार्च भी करने वाले हैं। तमाम इस वक्त भी आप जंतर मंतर का चारों तरफ माहौल देख सकते हैं कि लोग जुटे हुए हैं। इनकी तैयारी अभी से जोरों शोरों से पर है कि अब आगे क्या करना है। इस वक्त मेरे साथ जो युवक मौजूद हैं वो बेधड़क बोलते हैं, बिहार के रहने वाले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे ज्योति जी कि आपने नेशनल दस्तक पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि आजकल जो मीडिया का हाल है, जुडिशियल्स का हाल है, आप उस पर ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब भी कहीं कहीं पर भी अगर निगेटिव का माहौल बनता है तो वहाँ पर जो है लोग उतरते हैं मैदान में। और जिस तरह से ये सरकार लगातार पहले मुसलमान, फिर किसान, फिर जवान, अब पहलवान, लगातार जो है इस देश में तमाम स्पोर्ट के साथ जो है लगातार जो है ये सरकार शोषण पे शोषण किए जा रही है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब नहीं बोलते थे तो मोदी जी टिप्पणियां करते थे कि क्यों नहीं बोलते, और जब मनमोहन कहा जाता था उन्हें, मनमोहन कहा जाता था और भी कई टिप्पणियां करती थी। आज मोदी जी के यही दिल्ली राजधानी में जहां उनका आवास है, जहां वो इलेक्ट होकर आए, आज वहां पर जो पहलवान बेटियां जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर तिरंगे का नाम, जो फॉरेन कंट्रियाँ हैं वहाँ पर जो है तिरंगा लहराया जाता है, इनके चक्कर में जो असली हीरो हैं देश के, जो रियल हीरो हैं, उनके चक्कर में वो बच्ची बैठी हुई है। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये उनका जिम्मेदारी नहीं है कि आके पूछे, उनसे रीजन पूछे? आज एक चीज दिख रहा है इसमें। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगी एक जरूरी जानकारी कि ब्रजभूषण का इंटरव्यू लिया गया जब उन्होंने कहा कि वो टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, तो इन्होंने कहा ये तो अब राजनीति ही करेंगे क्योंकि पहलवानों का जो है अब खेलने का स्तर जा चुका है, अब तो पक्का ये पहलवानी आगे नहीं कर सके। अभी फिलहाल देखिए, उनका टिप्पणी है, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सांसद हो या कोई भी मंत्री हो, वो लोग जुमलेबाजी ही करते हैं, लॉजिक पे बात ही नहीं करते। अभी फिलहाल सोच कर बोलिए, बीजेपी जुमलेबाजी करती है? बीजेपी का वन मोर वन एजेंडा है ही ना, ये तो सबको मालूम है, जुमलेबाजी करो, देश को धर्म में बांटो, अधिक से अधिक राज्य में सरकार बनाओ, लोगों को फंसाओ, लोगों को जो है जलने दो और खुद जो है बैठ के ऐश करो। आज पहलवान बेटी यहाँ पे हरियाणा की है, ये हरियाणा में किसकी सरकार? बीजेपी की। मुख्यमंत्री को सेंट्रल में किसकी सरकार है? देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ये सिर्फ प्रोपगेंडा करती है, प्रचार। अभी देखिए हर जगह बैनर लगा हुआ है, डबल इंजन सरकार, यूपी खुशहाल, डबल इंजन सरकार। आज यूपी का युवा प्लान कर रहा है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कुल मिला जुला के कि जो हमारे बहनों के साथ अत्याचार हुआ है और जो लगातार शोषण हो रहा है, ये लोग जो इतनी स्ट्रगल कर रही हैं, आज 31वां दिन है कि ये लोग जो है यहाँ पे रह रहे कंटिन्यू, तो इसमें जो चुप्पी साट रही है केंद्रीय सरकार, इनको बहुत भारी पड़ेगा। और ब्रजभूषण तो खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है जिस प्रकार से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, तो आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो जुडिशियल आपका है, सुप्रीम कोर्ट आपके पास है, CBI से आपका रिलेशनशिप है, ED से आपका रिलेशनशिप है, गोदी मीडिया से आपका रिलेशनशिप है, दिल्ली पुलिस से आपका रिलेशनशिप है, तो आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते हो? अगर ये गलत है तो अकॉर्डिंग इंडिया पेनल कोड आप इनको क्यों नहीं उठा के जेल में डालते हो? आपकी कानून कहाँ जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से।
जो लगातार नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कांग्रेस इसका जमकर समर्थन कर रहा है और एक एक को टिकट मिलने वाला है यहाँ। हाँ देखिए, ये राजनीति करे तो बहुत अच्छा। जब 500 रुपए जब था, 400 रुपए गैस सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी जी अगड़ी में गगड़ी लगाती थी, सिलेंडर लेके सर पे नाचती थी। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? अब गगड़ी नहीं नजर आता है, अब मंत्रालय का आवास में आराम नजर आता है आपको। क्या बोले थी रजत शर्मा के शो में उन्होंने कि अगर हिंदुस्तान के किसी बेटी के साथ अत्याचार होगा तो मैं आऊंगा। स्मृति ईरानी जी, ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं है क्या? ये पाकिस्तान की बेटी है क्या? ये अफगान की बेटी है क्या? ये टेररिस्ट है क्या? बताइए आप हमको। केवल और केवल उनके बातों में मानसिकता है, ये दर्शाता है आपको भी। इनकी वजह से खेल में जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हें गलत संदेश जा रहा है, ये लोग गलत संदेश फैला रहे हैं। इन लोगों ने गलत संदेश नहीं दिया है, इन्होंने जूनियर प्लेयर को भी और तमाम जो रूरल इलाके की लड़कियां हैं, जो पिछड़े हुई लड़कियां हैं, उसको एक संदेश दिया है कि आवाज उठाओ। आज बतौर युवा अगर हम लोग मैदान में नहीं उतरेंगे और भाजपाइयों को खदेड़ के नहीं भगाएंगे तो हम अपने नस्लों को गुलाम बना करके जाएंगे। इसको आप समझ लीजिए। या आप जैसी पत्रकार अपना जमीन बेचने का काम करेंगी तो आप अपने नस्लों को गुलाम बना के जाएंगे। इसको समझ लीजिए। आपकी पीढ़ी बर पीढ़ी जो है कुछ नहीं कर पाएगी। आप लोग एक हिस्ट्री लिख के जाओ, मरना सबको है। मैं कल भी आपको बोला था ना कि मैं अब आया हूँ, गर्दन कटा दूंगा इनके चक्कर में। हम लोग कोई भाजपा वाले नहीं है कि मानसिकता के लिए जो मन में आया बोल दो, बाद में कोई आवास मिल गया, बंगला मिल गया, ऐस करो। हम लोग सच्चे देशभक्त हैं और हम लोग जो है कोई जातिवाद नहीं बांटते। हम लोग यहाँ पर आए हैं। भूषण कह रहे हैं FIR नहीं मांग रहे, ये कुछ और ही चाहते हैं, क्योंकि FIR तो हो चुकी है। कह रहे हैं जेल के बाद ये नया प्रोपेगेंडा रचेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, जुडिशियल्स का मतलब क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा FIR हुआ तो दिल्ली पुलिस कहाँ क्या कर रही थी? मोदी जी की पुलिस क्या कर रही थी? कितनी बेशरम पुलिस है, उसको रिमांड पे क्यों नहीं लिया? जो पोस्को एक्ट के अंदर, बताइए डेटा निकालिए आप हिंदुस्तान का, पोस्को एक्ट के अंदर किसको सजा नहीं मिला है? इन पे पोस्को एक्ट लग जाए, इन पे मानहानि लग जाए, ये बृजभूषण सिंह आराम करेगा। एक आदमी सारे आम बोलते हैं मारा है एक आदमी, और अपोजिशन पार्टी पे अगर मानहानि का केस लग गया, एक दिन में फटाफट केस, जेल, सब कुछ डिस्क्वालीफाई, संसदीय गया, सब गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अगर अपोजिशन पे हुआ तो रीजनल पार्टी के पास इतना सा घोटाला है, CBI जा रही है पूरे दिन जांच, ED IT सब जाएगा। अभी सुबह सुबह मैं देख रहा था, आज तक पे चैनल देख रहा था, अतीक अहमद की बहन ने किया सिलेंडर। अरे अतीक अहमद मर गया, खत्म, कब्रिस्तान में चले गया, हड्डी उसकी गल गई। अतीक अहमद इसको दिखाओ ना, क्या हो गया आपको? दिखा तो देते हैं फटाफट खबरों में, ये फटाफट खबर है, वो बस वही दिखाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को मिली रिहाई, पाकिस्तान तुमको खिला रहा है। हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के टुकड़ों पे जीने वालों, हमारे टैक्स के टुकड़ों पे जीने वाले, ये पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान? हमारा देश है, हमारा देश कैसे तरक्की करे, हमारे पास क्या रोड पे लाने, हमारे पास क्या एजेंडा है, हम किस विभाग में, किस सेक्टर में? पाकिस्तान से कितना खुश है, दोगुनी महंगाई है, यहाँ आप सुकून से जी पा रहे हैं। हम एक ही चीज बोलते हैं, आप ये भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, यही सब दिखा दिखा करके लोगों को ठगेगी, और देश को अडानी के हाथ में दे चुके हैं, अब देना भी नहीं है। और जो अडानी के, जो अडानी पे जांच का मांग करेगा उसको आप पार्लियामेंट्री डिस्क्वालीफाई होगा, उसको CBI ED जेल में डालेगा। यही पुराना हो गया वो मुद्दा, तो अडानी का मुद्दा पुराना कैसे हो गया? अब तो कोई बात तक नहीं कर रहा है उस मुद्दे। समझ लीजिए, हिंदू की बात करते हैं, ये हिंदू माइनॉरिटी के लिए क्या किया इन्होंने, कितने स्कूल खोला है? मैं तो चैलेंज करता हूँ, मंदिर तो खोला ना आपके लिए अयोध्या में। राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, धर्म को आप राजनीति में क्यों ला रहे हो? रिलीजन इज नॉट पॉलिटिक्स। आप जबरदस्ती हिंदू मेजोरिटी के अंदर आके धर्म को भड़काते हो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, यही सच्चाई है, ये रियलिटी है। चाहे गोदी मीडिया उसको कितना भी छुपा ले, चाहे ये अपने सत्ता के पावर से कितना भी इसको छुपा ले, लेकिन ये रियलिटी है। आपको मालूम है कि हिंदू मेजोरिटी है हिंदुस्तान के अंदर। अगर हम हिंदू की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे, टीपू सुल्तान की बात करेंगे तो हमारा डब्बा चलेगा, नहीं तो हमारा डब्बा नहीं चलेगा। ये केवल केवल अपना डब्बा चलाने के लिए हिंदू की बात करते हैं। कौन सा डब्बा चलाना चाह रही है बीजेपी? बीजेपी कौन सा डब्बा दे रहा है? डब्बा मैं पूछना चाहता हूँ, छोड़िए मुसलमान को, आपकी जरूरत नहीं है मुसलमान को। आपने हिंदू माइनॉरिटी के लिए क्या किया मोदी जी? आपने हिंदू OBC के लिए क्या किया मोदी जी? आपने हिंदू महिलाओं के लिए क्या किया मोदी जी? आप मेरे को डेटा दीजिए। इसके लिए मैं बीजेपी प्रवक्ता से, चाहे संबित पात्रा हो, स्मृति ईरानी हो, पीयूष गोयल हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, मैं उससे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ ऑन द स्पॉट।
क्या होगा, एक महीने हो गए विनेश फोगाट ने कहा, हमें लगा था 2-3 दिन में न्याय मिल जाएगा, महीना भर बीत गया। विनेश फोगाट जी स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, जमीन से उठ करके इंटरनेशनल लेवल पर जो है जाकर के उनको पटकने का काम किया पहलवानों को। अब जमीन से इंटरनेशनल लेवल की बात की गई है तो बताना चाहूंगी, ब्रजभूषण ने अपने इंटरव्यू में कहा कि खैरात में नहीं लाए हैं ये मेडल, सरकार ने इन पर पैसा लगाया है खाने का पीने का जिम जाने का। सरकार ने अगर पैसा लगाया है, सरकार के बाप का पैसा है या भाजपाइयों के बाप का पैसा है, वो हमारे टैक्स का पैसा है, IRCTC का पैसा है, वो सरकार के बाप का पैसा नहीं है या भाजपाइयों के बाप का पैसा नहीं है वो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सरकार ने पैसा लगाया तो इन्होंने डेवलप कंट्री के अंदर जाकर के इंटरनेशनल पर जाकर के इन्होंने तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, ये मैं आपको जवाब दूंगा। और जो 15 रुपए में मेडल की बात करते हैं, ये ब्रजभूषण जी को मैं लौटाना है तो पैसे लौटाओ ना, पैसे दो, मेडल तो आप 15 रुपए में मिल जाए। 15 रुपए की जहाँ तक बात है तो ब्रजभूषण को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ब्रजभूषण सिंह यहाँ पे आकर के साक्षी मलिक जी से या संगीता फोगाट जी से या पुनिया जी या बजरंगी पुनिया जी से एक एक हाथ कर ले और इनको पटक दे, मैं गर्दन कटा के दे दूंगा उनको, एक एक हाथ करके इनसे जीत के बता दे, मैं गर्दन कटा के दे दूंगा। आप गर्दन कटाने के लिए गर्दन कटा के दे दूंगा, हराम का खाका के दो, पेट फुला फुला के चले गए, धमकौआ गोदी मीडिया की टिप्पणी है, ये गलत नहीं, गलत नहीं सही है, गोदी मीडिया में आएंगे, हाँ हाँ बच्चा बैठे हो, हाँ बैठने दो, उसको मालूम है मैं कुछ भी बोल दूँ कुछ भी कर दूँ हमारी सरकार चल जाएगी, क्योंकि दिमाग में गोबर घुसा हुआ है ना ये भाजपाइयों को कि हमारी सरकार है, कुछ भी बोल दो तो ये ना ढूंढते हैं ना, वो तो हमारी सरकार, हमारा केंद्र सरकार जो भी करे ठीक करे। अरे आप ही लोगों ने जिताया, अब इतना खफा हो रहे हैं, कर्नाटक में आप ही कहे थे अच्छे दिन लाने हैं तो मोदी जी को लाना। मैं मोदी जी का आपने एजेंडा नहीं सुना, मोदी जी ने कहा था क्या कि मैं अडानी को देश को दूंगा, मोदी जी ने कहा था मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, मोदी जी ने कहा था क्या कि मैं जो है किसी की बात नहीं सुनूंगा, गुम हो जाऊंगा, विदेश दौरा करूंगा, अपने दिल की अरमा को पूरे देश में घूम घूम के पूरा करूंगा, अच्छे अच्छे विकास नहीं करने, अलग अलग घूम के विकास हो रहा है, अच्छे अच्छे चीज खाऊंगा, एक दिन में 5-5 कपड़े पहनूंगा और जिसको मन होगा उसको डिस्क्वालीफाई करूंगा। इन्होंने नहीं कहा था 15 लाख 2 करोड़ डिजिटल इंडिया, और ऐसा जब आंदोलन होता था तो आके बोलते थे बताओ मित्रों इस पे कमेटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, कांग्रेस पार्टी गलत करिए कि नहीं करिए। उनका पॉजिटिव आप देख लीजिए ना, उनके अंदर ऐसा देशभक्त बढ़ा हुआ था, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद तो सबसे बड़ा अपमान आप लोग का किया है उन्होंने कि आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, हमारा तो अपमान कर ही रहे हैं, देश को तो पीछे ले ही जा रहे हैं, सबसे बड़ा तो उन्होंने मीडिया का लोग की बात तो कर लेते हैं, लोग की बात में सब कुछ कह रहे हैं बयान, लोकतंत्र के अंदर जो चौथा स्थान पत्रकारों को मिला है लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र का नाश कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, आप लोग का नाश कर रहे हैं, आप लोग का अपमान किया है मोदी जी ने। आप लोगों का भला हो रहा है या नहीं? हम लोग का तो भला नहीं हो रहा है, हम लोग का तो क्या हाल है आप समझ लीजिए, आप क्या हाल है, इन्फ्लेशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, चिल्ला चिल्ला के बताती है बीजेपी की 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांटो, और जितना नीचे से लेकर के ऊपर का नेता प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री सब चिल्लाओ नारा लगाओ, वही उन लोग का एक ही फॉर्मूला है, ये करो नारा लगाओ, आज मुसलमान का नारा लगाना है, कल कश्मीर का नारा लगाना है, कल कश्मीर के पंडित का नारा लगाना है, सिर्फ समथिंग फॉर्मूला पर ही चलता है इनका डब्बा। और मैंने कहा ना, इनको मालूम है हिंदू मेजोरिटी है, हिंदू की बात करो, हिंदू को भड़काओ और ओबीसी हिंदू को लड़ाओ, अपना डब्बा चलाओ, यही इनका फॉर्मूला है। अच्छा बहुत बढ़िया बोला इन्होंने, जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि देखिए एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही थी कि आखिरकार इस मुद्दे पर राजनीति क्यों की जा रही, तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर राजनीति की जाएगी, अगर महिला के सुरक्षा पर भी बात नहीं की जाएगी तो किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।